दोस्तों, एक ऐसा देश जो हर दिन किसी न किसी वजह से मीडिया की सुर्खियों में बना रहता है, एक ऐसा देश जिसे परमाणु परीक्षण करने का भूत सवार है। नॉर्थ कोरिया विश्व के ऐसे देशों में से है जिस पर यूएन द्वारा कई प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया के शासक किंग जोंग उन को इन प्रतिबंधों की कोई परवाह नहीं है और ना ही परवाह अपने देश की जनता की है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं किस तरह नॉर्थ कोरिया का क्रूर शासक किम जोंग उन अपने देशवासियों पर तानाशाही का राज चलाता है और उसके द्वारा नॉर्थ कोरिया में क्या क्या कानून बनाए गए हैं, और साथ ही साथ हम जानेंगे नॉर्थ कोरिया के और भी कई हैरान कर देने वाले रोचक तथ्य। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। चाय हो मसाला या कॉफी हो लाटे, फैक्ट्स कैफे लाया है सारी दुनिया की बातें। आपको जानकर आश्चर्य होगा, नॉर्थ कोरिया का नागरिक अगर किसी भी जुर्म में पकड़ा जाता है और उसका ये जुर्म नॉर्थ कोरिया के कानून के तहत सिद्ध हो जाता है तो उसे तो सजा मिलती ही है और साथ ही साथ उसकी आने वाली 3 पीढ़ियों को ये सजा भुगतनी पड़ती है। नॉर्थ कोरिया में एक और कड़ा कानून बनाया गया जिसके तहत अगर कोई कोरियावासी बाइबल पढ़ते पकड़ा जाता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ मौत की सजा मिलती है। नॉर्थ कोरिया के कानून के तहत हर 5 साल बाद नॉर्थ कोरिया के शासक का इलेक्शन होता है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, इस इलेक्शन में एकमात्र उम्मीदवार ही भागीदार होता है जिसका नाम है किम जोंग उन। नॉर्थ कोरिया का सबसे क्रूर शासक किम जोंग उन है। इसे क्रूर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने अपने चाचा को जिंदा ही 120 कुत्तों को खिलाकर मरवा दिया था। उत्तर कोरिया के नागरिकों को इंटरनेट चलाने की भी आजादी नहीं है। इस देश में मात्र सरकारी और किम जोंग उन के विश्वास पात्र नागरिक ही इंटरनेट सेवा का उपयोग कर सकते हैं। नॉर्थ कोरिया के नागरिकों को जीन्स पहनने की मनाही है जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल है, और अगर कोई नागरिक इस नियम को नहीं मानता और नियम के खिलाफ जाता है तो उसे कड़ी सजा दी जाती है। उत्तर कोरिया विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसने अमेरिका को युद्ध की खुली चुनौती दे रखी है। साथ ही साथ उत्तर कोरिया ने अमेरिका नेवी का जहाज अपने कब्जे में लिया हुआ है। नॉर्थ कोरिया के कानून के मुताबिक यहाँ के नागरिकों को भिखारियों की फोटो खींचने की मनाही है क्योंकि नॉर्थ कोरिया में गरीबी का आंकड़ा सर्वाधिक है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, नॉर्थ कोरिया में आप अपनी मर्जी से हेयर स्टाइल नहीं रख सकते। नॉर्थ कोरिया के कानून के मुताबिक महिलाओं के लिए 28 व पुरुषों के लिए 10 तरह के हेयर स्टाइल हैं। यहाँ के नागरिकों को इस कानून का पालन करना पड़ता है और कानून के तहत ही अपना हेयर स्टाइल रखना पड़ता है। नॉर्थ कोरिया के न्यूज चैनल, मैगजीन और न्यूज़पेपर 99% अपने देश की ही खबरें और किम जोंग उन के तारीफ संबंधी कार्यक्रम चलाते हैं। नॉर्थ कोरिया में जाने वाले टूरिस्टों पर भी कई पाबंदियां लगाई गई हैं, जिसके तहत उन्हें इस देश में मोबाइल फोन, कैमरा इत्यादि लेकर जाने की मनाही है। नॉर्थ कोरिया में टूरिस्ट सिर्फ अपने गाइड की निगरानी में रहते हैं और टूरिस्टों को आम जनता से बात करने नहीं दिया जाता। नॉर्थ कोरिया में केवल सरकार द्वारा चलाए गए टीवी चैनल ही चलते हैं। इस देश में एक भी प्राइवेट टीवी चैनल नहीं है। नॉर्थ कोरिया के लोग दूसरे देश में जाकर नहीं रह सकते और न ही उन्हें दूसरे देश का वीजा मिलता है। यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया की सरकार किसी भी नागरिक को देश से बाहर नहीं जाने देती। नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में केवल कामयाब लोग ही रहते हैं या सरकारी नौकरी करने वाले ही यहाँ पे रह सकते हैं, बाकी लोगों को राजधानी के बाहर रहना पड़ता है। इस देश के आम नागरिकों को कार खरीदने पर भी पाबंदी है।
नॉर्थ कोरिया में सिर्फ सरकारी और अमीर हस्तियां ही कार खरीद सकती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? अगर पसंद आई हो तो प्लीज हमारी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आप देश दुनिया के और भी कई सारे तथ्यों का सबसे पहले लुत्फ उठा सकें।